अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रॉनिकल टेक की तरफ से आपके लाया हूँ एक नई वीडियो एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीटीए जो है वो मोबाइल फोन्स को बंद करने जा रही है कि नहीं, इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ नया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ दिन पहले यहाँ पर पीटीए जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जितने भी अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन हैं जो पीटीए से रजिस्टर नहीं है, नॉन कंप्लेंट है, जो मतलब वहाँ से रजिस्टर नहीं है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। और 20 अक्टूबर तक का टाइम मिला था सार्फिन को, जितने मोबाइल यूजर है पाकिस्तान में, कि वो अपने अकाउंट का IMEI नंबर जो है वो चेक कर लें कि वो पीटीए से रजिस्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान थे, मेरे पास भी काफ़ी लोग आए हैं और ऑफिस में भी लोग आ रहे थे कि भाई ये इशू क्या इशू है, कैसे सॉल्व किया जाए। और बहुत सारे लोगों का रजिस्टर नहीं था पीटीए से। अब ऐसे हो रहा होता है कि कुछ मोबाइल जो होते हैं वो पीटीए से रजिस्टर हुए बगैर पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, डीलर लेके आ रहे होते हैं, और फिर वो दुकान वालों को बेचते हैं और दुकान वाले नेक्स्ट उन लोगों को बेच रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद होने का खदशा था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पीटीए ने अपने जो ऐलान है उसको वापस ले लिया है। 20 अक्टूबर तक कोई भी मोबाइल फ़ोन बंद नहीं हो रहा, और इसके लिए नई पॉलिसीज लाने का जो ऐलान किया गया है। आज जो एक बैठक हुई थी, इनकी आपस में मीटिंग हुई थी आपस में, जो पार्लियामेंट है, एक सेंटर है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनके दरमियान और पीटीए की जो टीम है उनके दरमियान, तो पीटीए ने अपना मौकफ जाहिर किया कि जो पीटीए की पॉलिसीज है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जो पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक जितने भी गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन हैं उनको बंद किया जा सकता है। तो उस वजह से वो ये जो प्लान है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब, ताकि जो अनरजिस्टर्ड मोबाइल फोन हैं उनको बंद किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ जो पीटीआई के सेनेटर हैं उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, हुकूमत के साथ यहाँ पर मुशावरत नहीं की गई। और उनका यह भी कहना था कि यह हुकूमत के खिलाफ एक तरह की साजिश है कि मोबाइल फोन जब बंद होंगे तो हुकूमत अवाम जो होगी वो मजीद पीटीआई की जो हुकूमत है उनके खिलाफ होगी। अब उनका यह कहना है कि 20 अक्टूबर को कोई भी मोबाइल फोन बंद नहीं किया जा रहा। हाँ, एक और उन्होंने एक प्लान पेश किया है कि शायद 20 अक्टूबर के बाद जो नए मोबाइल फोन लोग खरीद रहे हैं उन पर शायद ये इंप्लीमेंट किया जाए। तो आपने अब ध्यान रखना है कि 20 अक्टूबर के बाद अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो आप उसी वक्त IMEI नंबर चेक करें उसका, कि पीटीए से वो रजिस्टर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल फोन जो आ रहे होते हैं वो पीटीए से रजिस्टर नहीं होते। अब फ्यूचर में ऐसे प्लान पर गौर किया जा रहा है कि मोबाइल फोन जितने भी हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, वो पीटीए से रजिस्टर होने चाहिए। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अपना जो मोबाइल फोन लेना है वो पीटीए से रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा, पर यहाँ पर एक मेन वजह जो 20 अक्टूबर उन्होंने डिले किया है, 20 अक्टूबर पहले डेट थी अब डिले किया है, उसकी बजाय एक उन्होंने ये भी पेश किया कि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में उनको इंग्लिश के महजे जो है वो पढ़ने नहीं आते होते। अब 1,50,00,000 के करीब जो एक करोड़ पचास लाख के करीब जो सार्फिन है मोबाइल्स के पाकिस्तान में, वो अक्सर लोग उनमें से मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो टैक्स होता है उनको पढ़ना नहीं आता होता। ये भी एक वजह पेश की गई है कि लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि पीटीए ऐसा इकदाम उठाने जा रही है और इससे बहुत सारे मोबाइल्स बंद होने का खतरा है। इसके अलावा एक और भी बात कही गई है कि जो बहुत सारे सार्फीन हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो मैसेज पढ़ें। अब अक्सर हमारे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे होते और हम पढ़ते नहीं होते, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एक खास प्लान मुरतब किया जाए ताकि लोगों से ज्यादती ना हो, जिन लोगों को पता ही नहीं है उनके मोबाइल फोन बंद ना हो। तो ये था एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बात की है, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अपना IMEI नंबर वगैरह चेक करवाने के लिए। हाँ, अगर आप मुस्तकबिल में मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप अपने ध्यान में रखें कि आपने जो मोबाइल लेना है वो पीटीए से रजिस्टर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और मजीद वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।